नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस उसकी रीजन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो ता कयामत रहेगा। लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना वो बहुत है, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल इसका मतलब आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मैं पास फोन है, मेरे पास फोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया, फेंकी इसको तोड़े। हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है, मेरा मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम, सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है, इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। जो ईमान ईमान है ना इंसान के अंदर वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा कर दें और मुस्लिम मान को खड़ा कर दें, चाहे उस, सिर्फ उसने कलमा पढ़ाओ, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। अच्छा, मैंने आज तक, हालांकि मैं खुद, आपको फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूरत के लिए आप क्या, जरूरत के लिए? हाँ, इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं और उन्होंने जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज दी हैं वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं वो आज साइंस उस चीज को साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पाकिस्तान के अंदर जाहिलों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे ही एक जाहिल का वीडियो हम आपको दिखाते हैं जिसका कहना की जो नॉन मुस्लिम है उनकी कोई औकात नहीं है, उनको मैं कुछ नहीं समझता हूँ, इस तरीके की बातें कर रहा है। पाकिस्तानी रिपोर्टर जो है वो कुछ उनको समझाने की कोशिश कर रही, लेकिन लगातार ये बंदा बहस किए जा रहा है, जाहिलों वाली बातें करता नजर आ रहा है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को एस्टेब्लिश करे और ग्रो करना चाहे तो पाकिस्तान इतनी तरक्की करेगा कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया किसी मुल्क से भी पीछे रह सकता है। वो नेबरिंग कंट्री की बात करना चाह रही थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेबरिंग कंट्री को मैं कुछ समझता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है वो, बस उसकी रीजन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है हम में इतना ज्यादा? वो तो शुरू से चलता आ रहा है, वो रहेगा, वो ता कयामत रहेगा। लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब होना चाहिए ना भाई जब हम कुछ हो। मेरा ख्याल है जो मुसलमान है ना उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना वो बहुत है, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल इसका मतलब आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ, उनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से मैं पास फोन है, मेरे पास फोन है। हाय अल्लाह, ये नॉन मुस्लिम ने बनाया, फेंकी इसको तोड़े। हर चीज का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है, मेरा मेरे मोबाइल में कोई गंदी चीज नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, अच्छी गंदी चीज की बात नहीं है, इतने हमें नॉन मुस्लिम, सुन ले, अच्छी और गंदी चीज की बात नहीं है, इतनी नॉन मुस्लिम से हम नफरत करते हैं। इंसानियत फर्स्ट, देखिए इंसानियत फर्स्ट, ऐसे तो हम नफरती कौम, ऐसे तो मुस्लिम कंट्रीज बहुत है लेकिन उनमें ये नफरत नहीं देखने को मिलती है, इंसानियत फर्स्ट होती है, इंसान। हाँ, मेरा, आप इस बात को सोचें कि जो ईमान ईमान है ना इंसान के अंदर वो सबसे बढ़ के है। और आप अगर यहाँ पे किसी काफिर को खड़ा कर दें और मुस्लिम मान को खड़ा कर दें, चाहे उस, सिर्फ उसने कलमा पढ़ाओ, मैं काफिर को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। अच्छा, मैंने आज तक, हालांकि मैं खुद, आपको फिर अपने फोन को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बाइक को, कार्स को भी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ये सारी काफिरों की टेक्नोलॉजी है ना, फिर जरूरत के लिए आप क्या, जरूरत के लिए? हाँ, इन काफिरों से पहले मुसलमान साइंसदान आ चुके हैं और उन्होंने जो साइंस में उन्होंने जो तजावीज दी हैं वो काफिरों ने बाद में आके उनको पिक करके 1400 साल पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को जो बता गए हैं वो आज साइंस उस चीज को साबित कर रही है। भाई मैं साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नॉन मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ। सुनिए, सुई आज हम लोग चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, हर टेक्नोलॉजी हमारी बाहर से नॉन मुस्लिम्स की ही यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है, फिर हम कहते हैं वो बुरे चाइना के झंडे हम यहाँ पर गाड़ते हैं। भाई ये डबल डिप्लोमेसी तो ना फिर रखे। ये मेरी बात सुन, मैंने आपको ये इस बात का पहले जवाब दिया है कि जब इस जब पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफिज हो गया, आप उस दिन के बाद मुझे कोई चीज़ इस रंग दिखा दीजिएगा कि मुसलमान किसी चीज़ से पीछे रह गए हैं। मेरी बात सुन, हम पाकिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम कंट्री की बात कर लेते हैं, दुबई है, वहाँ पर भी इंडिया की प्रोडक्ट्स जाती हैं। मेरी बात सुन, वो तो हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स भी बैठ जाती हैं। कौन सी? जैसे पाकिस्तान में कपास है, टमाटर है, नमक है, इंडिया लेता है नमक पाकिस्तान से? नहीं लेता वो। अभी रिसेंटली हमारे नमक के इंडस्ट्रियलिस्ट की स्टेटमेंट, आप कहते हैं डॉन की न्यूज़ है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, कहते हैं तो दिखा देती हूँ, ऑफिशियल बात कर। मैं इंडिया को साइड पे रखते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर दूसरी बड़ी कान खेड़ा, ठीक है, वहाँ से नमक पूरे दुनिया में नमक जाता है। अब ये नहीं कह सकते, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, टेक्नोलॉजी में बात करें मेरे साथ, ये दुनिया में जा तो रही है ना।
मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी में मेरे से बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज तो हर कंट्री में होती है, मेरे से वो बात करें जो हमने खुद बनाई है, जिसमें हमने खुद अपना नाम लगवाया है। वो फिर मैं आपको यही बात कहूँगा, मुस्लिम से इतनी नफरत क्यों है ये बताएं। नॉन मुस्लिम से मुझे नफरत नहीं है, ये देखा है सबने, देखा है मेरी बात सुने। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आ गए थे किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले कोई फोकियत हासिल नहीं सिवाय ईमान के। और अब अगर आप इस चीज़ को मद्देनजर रख के बात करें ना, तो मेरे सामने काफिर वाकई कुछ नहीं है, ये अंदर का ईमान है ना। आप देखें फ्रांस में, फ्रांस लगा लें, डेनमार्क लगा लें। अब मेरी बात सुनिएगा, कोई हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, कोई इस्लाम पर बात करता है तो मुझे बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता होगा ऑब्वियसली, कोई भी मुसलमान यहाँ पर खड़ा हो सुने पूरी बात सुन ले उसको बुरा लगेगा। हम क्या समझते हैं, क्या सिर्फ हमारे सेंटीमेंट्स हैं, क्या सिर्फ हमारे अंदर ही दिल है, जो बाकी लोग हैं उनके मजहबी सेंटीमेंट्स नहीं है, क्या उनके सीने में दिल नहीं है? हम कैसे इन लॉजिकल और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं? आपने देखा हो कहीं पाकिस्तान में किसी ने बाइबल या किसी और आसमानी किताब के साथ कोई छेड़खानी की हो? मैं आपको किस्सा सुना दूं, फिर अभी जड़ावाला में क्या हुआ था, आपको जड़ावाला का नहीं पता, अभी ईस्टर से पहले एक चर्च हमने जलाई है, सिंध में हमने मंदिर गिराए हैं। तो ये तो मंदिर तो मोहम्मद बिन कासिम ने भी गिराए आके, उसने पाकिस्तान के झंडे में दो रंग है ना, लेकिन मानता कौन है कि सफेद माइनॉरिटीज की अलामत है? मेरी बात सुने, सफेद माइनॉरिटी की अलामत है, लेकिन उसको अपने तहजीब और तमद्दुन में रहना चाहिए ना। वो एग्जांपल, वो इस्लाम के ऊपर क्यों बातें करते हैं आगे? इसने बात की थी ये जब ईस्टर पे चर्च जलाई है, आप अभी बात कर रही हैं, आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखा दे, हम कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? आपके पास प्रूफ है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया ना? आपकी नजर में तो नॉन मुस्लिम इंसान ही नहीं है मेरे भाई। मैं इसलिए काउंटर कर रहा हूँ, क्या आपके पास कोई इस तरह का सबूत है कि उन्होंने ये काम ना किया हो? बिलावल जो है वो बाद में जाकर ताज़ियत क्यों करके है? मैं गाली देने लगा था, लेकिन वो है ही वो है। गाली लेम लैंग्वेज अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे। एक हक हक पर बात, अगर देखे कायदे आजम ने झंडे में दो रंग मुक्तिस किए थे माइनॉरिटीज के लिए, आप उनको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं? मैं इंसान, इंसान तो मैं समझता हूँ, क्यों इंसान समझ रहा मैंने ऐसे, लेकिन उनको हक नहीं मिलने चाहिए ये कह रहे हैं। मैंने हकूक की भी बात नहीं की, कौन सा हकूक नहीं मिल रहा नॉन मुस्लिम को पाकिस्तान? कौन सा हकूक मिल रहा है बताएं? कॉन्स्टिट्यूशन से बात करती हूँ मैं, चले बताएं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हकूक है? बात सुने, कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने बिल्कुल आजादाना सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिक जगह पे वो इस तरह जलसे हो गया, जैसे अब आप बात कर लें, अब आप कौन सा हकूक है कादियानियों की बात कर लें, वो कहीं भी अपनी ना मस्जिद बना सकते हैं ना वो अजान दे सकते हैं अपना, वो कुछ की बात नहीं करी मैं, कर रही हूं क्रिश्चियंस की बात कर रही हूं। नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम है ना वो, तो मैं लेके आऊंगा उनको, क्यों नहीं लेके आऊंगा? बोले बोले आप, ठीक है। अब क्रिश्चियंस की बात करते हैं, अगर मेरी बात सुने, जैसे किसी क्रिश्चियन ने, हमने मैं मुसलमान होते हुए बात कर रहा हूँ, हमने किसी को किसी की बाइबल को छेड़ा हो, या मतलब बाइबल को छेड़ा या किसी और आसमानी किताब को छेड़ा हो, अब हमारा मसला यहाँ पे है कि वो हमारे जज्बात के साथ क्यों खेलते हैं? भैया आपके जज्बात हो या उनके जज्बात हो, मजहबी सेंटीमेंट्स तो किसी के भी हर्ट होते हैं ना, और मजहब पे तो उंगली उठाना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, इसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकले ना, थोड़ा सा आप यूरोप की तरफ जाएं, वो क्या करते हैं? यूरोप की बात नहीं, मैं पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स की बात कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर बसने वाली माइनॉरिटीज की बात कर रही हूँ, मैं अभी यूरोप की बात नहीं कर रही। आप हकूक में, नॉन मुस्लिम है ना वो सदर बन सकता है, ना वो वजीर आजम बन सकता है, वो कुछ भी नहीं बन सकता, हमारे आइन में लिखा गया, ठीक है। अब हम उस तरफ बात करें, वहाँ पे जो है मेजोरिटी है वो नॉन मुस्लिम्स की है, तो उनके उनका कानून अपना है, सेकुलर है। ये बात ना करें सर्कुलर सेकुलर वगैरह जो भी है, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, नहीं पता होगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे जाहिल आपको मिल जाएंगे जिनका ये मानना होता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर शरीयत कानून लागू कर दिया जाए तो जैसे आज लागू किया जाएगा कल ये सब लोग उठेंगे तो सारे कर्जे जो है खत्म हो जाएंगे, सब कहीं जो है चीज़ें सही हो जाएंगी, सबके घर में आटा 10-10 किलो जो है भर भर के पैकेट बाहर जो है लोग रख देंगे। इस तरीके की बहुत सारे जाहिल बात करते हैं। कुछ लोग ये बात करते हैं कि अगर हम नमाज पढ़ना पूरा पाकिस्तान चालू कर दे तो फिर जो है बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। नमाज तो पूरा सऊदीया पढ़ता है, दुबई भी पढ़ता है, इसके अलावा जो और कंट्रीज हैं गल्फ कंट्रीज की वो भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर वहाँ तेल निकाल दिया जाए तो उनका तेल निकल जाएगा। मतलब इन लॉजिकल वाली हमेशा बात करते हैं, जैसे ये कह रहा था कि जो हम साइंस यूज करते हैं ये जो है मुसलमानों की बनाई हुई है, या फिर इसमें जो मुसलमान थे पहले उन्होंने साइंस बनाया था उसको काफिरों ने यूज किया है। जाहिर सी बात है 1400 साल से पहले काफिर ही रहते थे इस धरती के ऊपर, उन्होंने जो साइंस का जो निर्माण किया था वो आप लोगों यूज कर रहे थे, तो ये सर्किल चलता रहता है। इसको लेकर पता नहीं कैसे जाहिलता वाली जो बातें हैं ये अपने दिमाग के अंदर भर लेते हैं, और इनकी जो नफरत है कि हम जो है नॉन मुस्लिम से नफरत करते हैं और हम सबसे ऊंचे हैं,
पूरी दुनिया के अंदर हमारे सामने कुछ है नहीं, हम ईमान पर अगर रहेंगे तो हम जो है जो काफिर है मुसलमान है उसको कुछ समझेंगे नहीं। इन्हीं हरकतों के कारण आज पूरी दुनिया के अंदर तुम काफिरों से ही भीख मांग रहे हो। तुम्हारे घर का अगर चूल्हा जल रहा है तो काफिरों की वजह से जल रहा है, तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है तो काफिरों की वजह से, तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है काफिरों की बनाई हुई है। यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप जब बीमार होते हैं तो काफिरों की बनाई दवाइयाँ खाते हैं और तुम काफिरों को नीचा समझते हो और काफिरों को गालियाँ देते हो। अब अगर इस तरीके की बातें अगर कोई रिलीजन सिखाता है तो कहीं ना कहीं वो गलत बात है, और इसी वजह से पाकिस्तान के लोग इस तरीके की जाहिलता वाली बातें करते हैं। और इसको सोचना चाहिए कि एक धर्म जो है किसी व्यक्ति से नफरत करना क्यों सिखाएगा, ये इनलॉजिकल वाली बात है। देखिए जो भी आदमी है वो कैसा काम करता है उसको लेकर जो है उसको जज करना चाहिए, ना कि किसी धर्म को ना किसी रिलीजन को। और पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी रहती है वो सही में जो बड़े पद है उनके ऊपर बैठ नहीं सकती है, इसके अलावा उनके साथ में बहुत ज्यादा अन्याय होता है। लेकिन जब भारत की बात आती है तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये जाहिल कहते रहते हैं कि भारत के अंदर जो अन्याय है वो मुस्लिमों के साथ में किया जाता है। ये सब कहने वाली बातें हैं। इसी जाहिलता के कारण जो पाकिस्तान के ऐसा कट्टरपंथी लोग हैं वो बम बांध लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं दूसरे देशों के अंदर जाकर फटते हैं, और इससे पाकिस्तान का नाम होता है, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।